तो दोस्तों, क्या आप भी जो मोबाइल में फ़ोन डायलर के अंदर आप कुछ इस प्रकार से फ़ोटो लगाना चाहते हो? जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं एक लड़की का फ़ोटो लगा रखा हूँ। आप अपना खुद का भी फ़ोटो लगा सकते हो, चाहे आप लोग को किसी का भी फ़ोटो लगाना वो आप लगा सकते हो फ़ोन के डायलर में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कैसे आप लोग जो फ़ोन के डायलर में होम स्क्रीन के ऊपर आप लोग किसी का भी फ़ोटो सेट कर सकते हो, या फिर खुद का वॉलपेपर लगा सकते हो, या फिर किसी लड़की का भी लगा सकते हो। और दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को जो पूरा डिटेल्स बताया सब कुछ A to Z। बस आप लोग वीडियो को जो एंड तक देखो, आप लोग को फिर पता चल जाएगा कैसे आप लोग जो फ़ोन के डायलर के होम स्क्रीन के ऊपर आप लोग खुद का फोटो या फिर किसी लड़की का फोटो सेट कर पाओगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं डायलर के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई सा भी वॉलपेपर सेट नहीं है होम स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, आप लोग को कैसे करना है ताकि मैं आप लोग को स्टेटस बता पाऊँ, इसलिए अभी कोई सा भी वॉलपेपर सेट नहीं है। आप लोग का भी फोन इसी प्रकार से होगा, कुछ डायलर के अंदर दिख रहा होगा। सो गाइस, अब आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर वॉलपेपर अगर सेट करना है खुद का फोटो या फिर किसी का भी फोटो, उसके लिए सबसे पहले आप लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एप्लीकेशन होता है जो कि 2-3 MB का ही साइज रहता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है एंड फ्री रहता है। तो आप लोग को इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जैसे आप लोग प्ले स्टोर पर क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पर सर्च करना, डिजाइनर्स टूल लिखना है, ठीक ना, TOOLS, ठीक। इस प्रकार डिजाइनर टूल्स लिखना है, आप लोग को सिंपली सर्च कर देना। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर आप लोग को लिख जाएगा डिजाइनर टूल्स प्रो, इस तरह से इसका लोगो वगैरह आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसको सिंपली क्या करना है, आप लोग को डाउनलोड कर लेना। मेरे भी तो फिलहाल डाउनलोड है, तो मैं इसको अभी ओपन करके आप लोग को दिखाता हूँ क्या क्या सेटिंग वगैरह करना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखाई देता है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे नीचे दिख रहा है आप लोग को मॉकअप ओवरले, सबसे नीचे में कॉर्नर की तरफ इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा इंटरनेट में बंद कर दो, क्योंकि ये बिना इंटरनेट का भी हो जाता है, आप लोग को इंटरनेट ऑफ कर देना, ठीक। एंड उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2+ का सिंबल दिख रहा है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है मॉकअप ओवरले, जो कि ऑन करने वाला, ठीक ना। तो आप लोग को जो है सिंपली ये वाला सेटिंग को ऑन कर देना। जैसे आप लोग ऑन पर क्लिक करते तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखाई देता है। आप लोग को वो एप्लीकेशन खोजना जो आपने अभी डाउनलोड किया, जैसे कि ये वाला डिजाइनर टूल्स प्रो, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को अलाउ कर देना है, यहाँ पर ऑन कर देना। उसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप लोग को 2 बार बैक करना है, ठीक। एक बार मैंने बैक किया, फिर से आप लोग को 1 बार और बैक कर देना है, ठीक। जैसे आप लोग देख पा रहे, जैसे मैंने बैक किया एंड आप लोग को यहाँ पर 2 रेक्टेंगल दिखाई देगा। आप लोग को पहला वाला जो रेक्टेंगल है, इस तरह से अपना मोबाइल का साइज होता है और ये दूसरे साइज का होता है, ठीक ना। तो आप लोग सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद अलाउ करना। जैसे अलाउ करोगे तो आपके फोन में जो भी फोटो होगा गैलरी में वो सब यहाँ पर दिखाई दे देगा। आप लोग बस खोज लेना आपका जो भी फोटो है जो आपको सेट करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक फोटो सेट करके आप लोग को बताता हूँ, जो कि स्टार्टिंग में इसको मैंने चूज कर लिया। जैसे मैंने चूज किया तो यहाँ पर देख पा रहे, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर लाइन वगैरह दिखाई देता है एंड आपको ओपेसिटी जो है ना, पहला वाला जो ऑप्शन दिखता है, इसको आप लोग को जो 80 या 90% के आसपास रख लेना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे, इससे ब्राइटनेस वगैरह अच्छा दिखाई देगा आप लोग को फोटो का, जो वॉलपेपर आप लोग सेट करना चाह रहे हो। सो सिंपली आप जो ना, ये सेट हो चुका है, बाकी सारा सेटिंग हो गया। अब मैं आपको पूरा बैक करके आपको दिखाता हूँ कि ये शो कर रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। जैसे आप लोग देख पा रहे, मैं डायलर के अंदर आया हूँ एंड यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ पर किसी भी पेज पर रहोगे, जैसे कि मैं अभी रिसेंट वाले पे हूँ, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट में भी शो करेगा और डायलर में भी शो करने लगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में भी दिख रहा है वॉलपेपर, और मैं डायलर के ऊपर किया तो डायलर में भी शो कर रहा है। सो आप लोग कुछ इस प्रकार से अपने डायलर के अंदर होम स्क्रीन के ऊपर आप लोग कोई सा भी वॉलपेपर, खुद का भी फोटो लगा सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।